हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। मैं अमित कुमार आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो चलिए दोस्तों, आज है 18 जुलाई और आज हम लोग डेली जीके के तरफ से पॉलिटी जैसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टों से आज हम लोग साथ में मिलकर टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ हल करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मैं कैमरे को सही कर लूँ। ठीक, चलिए दोस्तों, आज का सेशन का पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 कहता क्या दोस्तों? छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, अनुच्छेद 17। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 3 कहता है दोस्तों, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए क्या करता है, सुनिश्चित करता है? तो ऑप्शन ए धार्मिक समानता, ऑप्शन बी आर्थिक समानता, ऑप्शन सी सामाजिक समानता, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, उपयुक्त सभी। क्लियर दोस्तों, धार्मिक समानता भी होना चाहिए, आर्थिक समानता भी होना चाहिए, सामाजिक समानता भी होना चाहिए। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? फिर से सुन लीजिए दोस्तों प्रश्न, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिभेद मतलब भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 के अनुसार से एक मूल अधिकार है, जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन ए धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन डी समता का अधिकार। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों,
समानता का अधिकार, अंग्रेजी में कहते हैं इसको राइट टू इक्वलिटी। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे, ये रहा प्रश्न संख्या 5। कहता है दोस्तों निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन भिन्न वर्ग में आता है, निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, अनुच्छेद 19। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं दोस्तों इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा प्रश्न संख्या 6। कहता है दोस्तों भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आजादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद किसमें। फिर से सुनिए दोस्तों, थोड़ा यूपीएससी का प्रश्न है दोस्तों। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आजादी अंतर्निहित है, अनुच्छेद किसके अनुसार से। तो ऑप्शन ए 19 फर्स्ट ए, ऑप्शन बी 19 सेकंड बी, ऑप्शन सी 19 फर्स्ट सी, ऑप्शन डी 19 फर्स्ट डी। चलिए प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यारा प्यारा प्रश्नों का जवाब आप लोग 10 सेकंड में देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, 91st ए। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा प्रश्न संख्या 7। कहता है दोस्तों भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस के स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 10 क्वेश्चन का जवाब 10 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, अनुच्छेद 19। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 1। कहता है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है। तो ऑप्शन ए नियमों के समान संरक्षण, ऑप्शन बी भाषण स्वतंत्रता, ऑप्शन सी संघ निर्माण की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, भाषण स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये रहा प्रश्न संख्या 9। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए बोलने का अधिकार, इसको कहते हैं अंग्रेजी में राइट टू स्पीक, ऑप्शन बी व्यवसाय का अधिकार राइट टू बिजनेस, ऑप्शन सी हड़ताल पर जाने का अधिकार राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, ऑप्शन डी धर्म का अधिकार राइट टू रिलीजन। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों का हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, हड़ताल पर जाने का अधिकार राइट टू गो ऑन स्ट्राइक। क्लियर दोस्तों,
चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 10। कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों 21। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं एक अनुच्छेद 21 के अनुसार क्या होता है कि व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान किया जाता है। किसके किस आर्टिकल के द्वारा सर? 21 आर्टिकल के थ्रू से। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 11। कहता दोस्तों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों अनुच्छेद 24। क्लियर दोस्तों, आर्टिकल 24 के अनुसार से क्या होता है, बच्चे के शोषण से संबंधित है। अगर बच्चे पे किसी प्रकार की शोषण होगी वो आर्टिकल 24 के अनुसार से आप FIR दर्ज कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा प्रश्न संख्या 12। कहता है दोस्तों कि कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी हो। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्ति नहीं किया जा सकता है जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी हो। तो ऑप्शन ए 12 वर्ष हो, ऑप्शन बी 14 वर्ष हो, ऑप्शन सी 18 वर्ष हो, ऑप्शन डी 20 वर्ष हो। तो चलिए प्यारे मित्रों इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टॉप क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर दोस्तों, कम से कम 14 वर्ष हो। चलिए दोस्तों इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके लिए लाया दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज का प्रश्न आपके लिए ये रहा दोस्तों, भारतीय संविधान अनुच्छेद 25 का संबंध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे। ऑप्शन ए समानता के अधिकार से, ऑप्शन बी संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों का जवाब आप लोग इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। चलते हैं इस प्रश्नों के साथ अगली स्लाइड की और अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द डे। मतलब दोस्तों कि पिछले क्लासों में जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे का प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर आपको इस स्लाइड पे। तो चलिए दोस्तों पिछले क्लास में पूछे गए प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है। तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो चलिए दोस्तों इसका सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर अनुच्छेद 14। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग ने पॉलिटी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टों से टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ हल किए दोस्तों। यदि आज का भी सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आज की सेशन के वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर करते। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार
इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं और साथ में जितने भी न्यू वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड होंगे वो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासों में 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।